अभी दोस्तों आप देख सकते हो BGMI में मैंने अपनी प्रोफाइल में अपने हिसाब से लोगो लगा लिया और मैं यहाँ पे अपना फोटो भी लगा सकता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। BGMI गेम में आज हम प्रोफाइल के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। सबसे पहले आपकी UID होती है, फिर आपने कौन कौन से रॉयल पास खेले हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, नीचे नाम और उससे नीचे क्लेन। क्लेन के आगे एडिट का एक ऑप्शन आता है, यदि आप क्लेन के लीडर हो तो आप इससे क्लेन का नाम चेंज कर सकते हो। इससे नीचे प्लेयर का लेवल शो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवो लेवल की। TDM मैच या अरीना में जो भी आप गेम प्ले करते हो इससे आपका लेवल बढ़ता है। इसके नीचे आपको आपका रैंक शो हो जाएगा, आप कब से गेम खेल रहे हो, आपने कितने मैचेस खेले। प्रोफाइल के साथ में आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे यदि आप क्लिक करोगे तो आप सीधा कस्टम सेटिंग में आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग टाइटल्स हैं, अवतार्स हैं, यहाँ पे आप अवतार वगैरह चेंज कर सकते हो। प्रोफाइल पे जाने के बाद जब आप सेटिंग पे जाते हो, आपका गूगल अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, आपको मैनेज अकाउंट पे जाके अपनी फोटो लगानी है। जो फोटो आपने जीमेल या फेसबुक पे लगाई होगी वो यहाँ आपको गेम में अवतार में शो हो जाएगी। ऐसा करके दोस्तों आप अपनी फोटो BGMI गेम में लगा सकते हो। कस्टम सेटिंग में दोस्तों आगे आपको फ्रेम्स, नेम टैग, सोशल कार्ड आईडी को आप चेंज कर सकते हो। ये थी दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन। बात करें नेक्स्ट सेटिंग स्टैटिक्स की। यहाँ पे आपने टोटल कितने मैच खेले हैं, रैंक में कितने मैच खेले हैं, क्लासिक में कितने मैच खेले हैं, आपने किल कितने किए हैं, आपका FT रेशियो कितना है, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग कैरियर रिजल्ट्स है, जहाँ पे आपने जो भी मैचेस खेले होंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट सेटिंग की, उसका नाम कलेक्शंस है। यहाँ पे एक इंपोर्टेड और कलेक्टर लेबल का है। BGMI गेम में जो भी आप आइटम वगैरह बाय करते हो, आइटम को फ्री में रिडीम करते हो, उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स से कलेक्टर लेवल बनता है। इसमें दोस्तों दो लेवल होते हैं, एक कैरियर लेवल और एक सीजन लेवल। BGMI गेम में जब भी कोई नया रैंक सीजन आता तो उसमें जो रिवार्ड्स आते हैं यदि उसको हम रिडीम कर लेते हैं तो उसमें इसके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है तो आपको अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट सेटिंग की, नेक्स्ट सेटिंग का नाम ऑनर है। ऑनर में आपको दो सेटिंग देखने को मिलती है, अचीवमेंट और टाइटल। आपके पास जो टाइटल है वहां से आप एक्वाइर्ड वगैरह कर सकते हो। इससे नीचे दोस्तों कनेक्शन सेटिंग्स है, जहां से आप अपने फ्रेंड लिस्ट के किन्हीं प्लेयर्स को बडी या गर्लफ्रेंड वगैरह बना सकते हो। इसे नेक्स्ट ऑप्शन सोशल प्लेयर कार्ड है, आप सिग्नेचर वगैरह जो भी आपको लिखना है वो आप प्रोफाइल में लिख सकते हो, और आप फीमेल हो मेल हो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग का नाम मेरिट सिस्टम है। यदि आप गेम में अच्छा बिहेव करते हो, आप गेम को बैक वगैरह नहीं तो करते आपका 100 रहता है। यदि आप गेम को बैक करते हो तो थोड़ा कम होता रहता है, फिर आप रैंक वगैरह गेम को नहीं खेल सकते, पर आप क्लासिक मैच खेल के फिर इसको बढ़ा भी सकते हो। ये थी दोस्तों प्रोफाइल सेटिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।